नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, सऊदी अरबिया कानून के मामले में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है। जी हाँ साथियों, आपको सबको पता ही है भाई, हर चीज वहां पे। और गल्फ कंट्रीज में मैं बता दूं, जुर्माना इतना हाई लेवल का होता है कि आप सोच नहीं सकते, मिलियंस में जुर्माना चलता है। इंडिया में इतना नहीं देखा, आपने देखा है कभी उसको 10 लाख का जुर्माना लग गया भाई? हमने तो नहीं सुना आज तक। लेकिन जी हाँ, गल्फ कंट्रीज में भाई भय बिना प्रीत नहीं है, ये सच्चाई है। दुनिया को जितना डराओगे ना, उतनी वो सही तरीके से चलेगी। और इंडिया जैसा माहौल होगा तो फिर कोई किसी को फेसबुक पे, फिर व्हाट्सएप पे गालियां लिख के भेज देता है, उनको कंठा ही फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई है। और उनके खिलाफ कुछ होता होता भी नहीं है, गालियां लिख देते हैं लोग फेसबुक पे। आप देखते होंगे, जिनके साथ अपनी नहीं बनती, उनके विचार हमें अच्छे नहीं लगते, गालियां लिख देते हैं। मैं देखता हूँ फेसबुक पे, आप भी देखते होंगे, एक दूसरे को गालियां, धार्मिक धर्म के नाम से, जाति के नाम से, क्षेत्र के नाम से, ठीक है, हर चीज के नाम से गालियां लोग दे देते हैं। लेकिन जी हाँ, सऊदी अरबिया में भाई एक कानून बन चुका है, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंटरनेट या फिर साइबर, कोई भी XYZ आप इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम अपने मोबाइल में करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपकी इतनी भयंकर बैंड बजेगी कि आप दुनिया सोच नहीं सकते काम करोगे तो। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी ने भाई ये कानून बना दिया, सऊदी सरकार ने, क्राइम रेगुलेशन एक्ट 6। जी हाँ, अगर उसके एक्ट 6 के तहत अगर आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंटरनेट के जरिए कोई धर्म से संबंधित, कोई जाति से संबंधित, कोई निजी जानकारी किसी एक दूसरे बंदे की, किसी की गलत फोटो डालना, गलत इमेज डालना, यानी किसी भी तरह का गलत काम, आप समझ सकते हैं गलत में टोटली काम आ जाते हैं, अगर गलत काम आप करते हुए पाए गए, आपको पता है एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि इसमें पुलिस को छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने सबूत पहले ही दे चुके हो। आपने एग्जाम्पल के तौर पर मुझे गाली निकाली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो पुलिस को छानबीन करने की जरूरत नहीं, आपका नंबर आ गया, आपकी एक वॉइस आ गई, बहुत है इतनी, आपके नंबर से वॉइस आई है ना, इसका मतलब गलती आपकी है, सीधी FIR बनेगी, आपको पता ही है, ये आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये काम सऊदी सरकार ने रेगुलेशन एक्ट बता दो 6 में कर चुके हैं। इसमें अगर आप गलती से भी धार्मिक भावनाएं भड़काने, धर्म के नाम पे गलत बातें करने, एक दूसरे को गालियां देने, या फिर कोई फोटो इमेज वगैरह ऐसी कोई चीजें जो दूसरे को गलत है बिल्कुल कानून के हिसाब से, अगर ये करते हुए पाए गए तो बता दूं 5 साल की सजा है, प्लस 3 मिलियन, जी हाँ 3 मिलियन रियाल जुर्माना आपका लगेगा। आप सोच सकते, आप समझ सकते हैं। तो भाई बिल्कुल गलती से भी गलती ना करें, वरना पूरी जिंदगी सऊदी में रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा आपसे चुकाया नहीं जाएगा, और नहीं चुकाओगे तो फिर आपको परमानेंट रहना पड़ेगा। अगर कोई चीज इलीगल एक्टिविटी, चीज संदिग्ध चीज आपके मोबाइल में तैयार की जाती है, कंप्यूटर में तैयार की जाती है, सॉफ्टवेयर से तैयार की जाती है, या उनको दूसरे की जगह ट्रांसफर किया जाता है, जी हाँ कंप्यूटर पर या सोशल मीडिया पर संकलित, यानी आप इकट्ठा कर लेते हैं सोशल मीडिया पे, और आपका कोई फोन चेक हो गया, कुछ गलत आपकी शिकायत हो गई, तो भी आपके ऊपर सेम यही प्रोसेस रहेगा, 5 साल की सजा, 3 मिलियन रियाल जुर्माना। जी हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं। तो भाई सोशल मीडिया वाले थोड़ा बच के रहे, आज के जमाने में 99% लोग सोशल मीडिया पे, कुछ बेचारे अनपढ़ लोग हैं उनको छोड़ के, तो बचे, साथी को भी बचाएं, आप भी सतत बचें, ताकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।